नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली के बाद आती है छठ पूजा, तो छठ पूजा में बनाए जाते हैं ये ठेकुए। ठेकुए का प्रसाद बनाया जाता है, ये हम आज बनाएंगे। इसकी रेसिपी बिल्कुल मैं टिपिकल आपको जो परफेक्ट रेसिपी होती है ठेकुए की वो देने वाली हूँ आज आपको मैं। तो एंड तक वीडियो देखिएगा ताकि सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको मिले और आप भी इस तरह से ठेकुए जो है इजीली घर पर बना सकें। ये सिर्फ प्रसाद में नहीं, आप इसको कभी भी बनाएंगे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो कोई भी इस तरह से एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे और इसके अंदर डालेंगे हम गेहूं का आटा। तो ठेकुआ बनाने के लिए 2 कप हमने डालना है ये गेहूं का आटा, तो ये हो गया 2 कप। अब जाएगा इसके अंदर 1/2 चम्मच के करीब हरी इलायची का पाउडर। देखिए 1/2 चम्मच हम इसमें हरी इलायची का पाउडर डालेंगे और इसके साथ ही मैं डाल दूंगी इसके अंदर देसी घी। तो देसी घी हमने डालना है इसमें तकरीबन 3 चम्मच के करीब। तो हम बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से आज इसको बना रहे हैं, इसलिए हम बिल्कुल जो है सिर्फ गेहूं के आटे से ही बनाएंगे इसको। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो लीजिए, अच्छे से हमने घी को आटे के अंदर इस तरह से मिला लिया है। तो अब हम इसको बाइंड करके देखेंगे हाथ में इस तरह से। तो इस तरह से बाइंड होना चाहिए, ये देखिए। बिल्कुल बहुत टाइट नहीं करेंगे, इस तरह से ही रखेंगे। ये देखिए, ये जो बाइंड हो रहा मतलब कि हमारे घी की मात्रा जो है बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये बिल्कुल इसी तरह से हमने जो है इसी प्रोपोर्शन में हमने घी को डालना है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे अपनी चीनी। तो जिस कप की मेजरमेंट से मैंने आटा मेजर किया था, उसी कप की मेजरमेंट से मैंने चीनी लेकर मिक्सी की जार में डालकर जो है इसको ग्राइंड कर लिया था। और ग्राइंड करी हुई हम जो है 1/2 कप के करीब मैंने चीनी ले ली है। तो 1/2 कप चीनी इसमें ऐड कर देते हैं। तो 1/2 कप हमने इसमें डाली चीनी, अच्छे से पाउडर बनाकर, और इसको भी हमने अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेना। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं और छठ पूजा में इसका जो है प्रसाद बनाया जाता है, तो आसानी से आप भी इसको बना सकते हैं। छठ पूजा जो है दिवाली के बाद की जाती है। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा मिक्स। अब हम लेंगे थोड़ा सा पानी और हाथों में लेकर जो है हल्का हल्का पानी डालेंगे। पानी हमने बिल्कुल भी इसमें ज्यादा नहीं डालना है, इसको टाइट टाइट ही हमने रखना है। ये देखिए इस तरह से। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें सूजी ऐड कर देते हैं, मैदे से भी बनती है ये, लेकिन हम जो है बिल्कुल गेहूं के आटे से ही बनाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल जो है ट्रेडिशनल तरीका यही है बनाने का इसको। ये देखिए इस तरह से हमने इसको इकट्ठा करना है, इस तरह से ये बाइंड होनी चाहिए। थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करेंगे, थोड़ा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर और इस तरह से इसको बाइंड कर लेंगे। ये आप देखिए बाइंड होनी चाहिए, जब तक ये नहीं बाइंड होती है तब तक हमने इसको ऐड करना है। ध्यान रहे कि हमने इसमें बिल्कुल ज्यादा पानी नहीं डालना है। ये देखिए अभी थोड़ा सा पानी इसमें और पड़ेगा। तो पानी की मात्रा जो है आपके आटे के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आपका आटा जो है किस टाइप का है। ये देखिए इस तरह से हमने ले लेना और इस तरह से इसको दबाना है। ज़्यादा मोटे या ज़्यादा पतले इसको नहीं रखना है, मीडियम रखेंगे इस तरह से। और साइड से क्रैक हो तो कोई बात नहीं, ये इसी तरह से जो है बनाए जाते हैं। अब हम ले लेंगे एक फोक और फोर्क की हेल्प से हम इसको इस तरह से दबा देंगे। ये देखिए विदाउट मोल्ड हम इसको आज बना रहे हैं, तो ये हम इसको आज शेप दे देते हैं। तो इस तरह से हमने इसको करके और रेडी करते जाना है। तो सारे हम इस तरह से बना लेंगे। जहाँ आपको लगे पानी डालने की ज़रूरत और है तो वहाँ पे आप और ऐड कर सकते हो पानी। ये देखिए इस तरह से इसको करके, और हम कोई भी मोल्ड जो है इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी मोल्ड यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो हो आप उस तरह से शेप जो है इसमें दे सकते हो। ये देखिए इस तरह से दबा कर ये देख रहे हैं। तो जिस तरह से आप चाहें इसको आप बना सकते हो। सारे हमने इसी तरह से रेडी कर लेने हैं। तो इसमें हल्का सा पानी हम और डालेंगे, इस तरह से इसको साथ के साथ ही हल्के हाथों से गूंथते जाएंगे। हमने इसको सख्त ही रखना है बिल्कुल इस तरह से। फिर से थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे और इस तरह से इसकी एक बॉल बनाकर इसको जो है हमने फ्लैट कर देना है इस तरह से। इस तरह से बनाते जाएंगे। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो लीजिए आप देख सकते हो हमने सारे ये बनाकर जो है रेडी कर लिए। तो सारे ठेकुए हमने बना लिए। अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे। अब हमने ऑयल को रख दिया गर्म करने के लिए और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा हमने इसको गर्म नहीं करना है, फ्लेम जो है हम मीडियम रखेंगे। तो एक एक करके हम इसमें डालेंगे। तो जितने आपके एक बार में फिट आए आप उतने ही डालिए, ज़्यादा मत डालिएगा। अभी हमने इसको बिल्कुल भी मोड़ना नहीं है, फ्लिप नहीं करना है, बस इसी तरह से हमने इसको भी एक साइड से हल्का क्रिस्पी करना है। इसके ऊपर से हम इस तरह से ऑयल डाल देंगे और जब तक एक साइड से हल्के क्रिस्पी ना हो जाए हमने इसको मोड़ना नहीं है। गैस का फ्लेम हल्का कर देंगे। जब आपको लगे नीचे से हल्का हल्का ये ब्राउन होने लगा तब इसको चम्मच की हेल्प से इस तरह से हम फ्लिप कर देंगे। और ये देखिए बढ़िया सा कलर आने लगा इसका। तो फ्लेम हमने हल्के फ्लेम में इसको जो है इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो नीचे आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया सा जो है इसका कलर आ गया। इसको हमने इस तरह से मोड़ लेना दोबारा और दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हमने इसको कर लेना है। मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि कितने बढ़िया लग रहे हैं ये देखिए, लग रहे हैं ना बढ़िया। अच्छे से हमने इसको ऑयल निकाल लेना है।
ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसको आप कभी भी बना सकते हो, हम तो छठ पूजा के लिए बना रहे हैं, लेकिन आप इसको कभी भी बनाकर खाइए, बेहद पसंद आएंगे आपको, बच्चों को बड़ों को सभी को घर में बहुत पसंद आने वाले हैं। तो इसको हमने इस तरह से निकाल लेना है, और जो बनते जा रहे हैं वो हम इस तरह से निकालते जाएंगे, अच्छे से एक्स्ट्रा ऑयल निकालते हुए हमने निकाल लेना, और सारे हमने इसी से इसी तरह से बनाकर रेडी कर देने, बाकी के भी हम इसमें डालते जाएंगे। ऑयल ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा हमने गर्म नहीं करना है, नहीं तो अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जो है ब्राउन हो जाएंगे। तो हम अंदर से भी अच्छे से ये पके, इसलिए हमने इसको अच्छे से जो है फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई पे इसको हमने नहीं बनाना है। ऊपर से ऑयल डालेंगे इस तरह से और इसको भी मोड़ते जाएंगे। तो लीजिए इसका भी कलर जो है बहुत ही बढ़िया सा आ गया है, तो सारे हमें इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेना है। तो लीजिए बहुत ही बढ़िया से हमारे सारे ठेकुए बनके तैयार हो चुके हैं, बहुत ही टेस्टी है, छठ पूजा का प्रसाद है और बहुत ही बेहतरीन बनता है ये, बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, आपको बेहद पसंद आने वाले हैं। अभी ये बहुत गर्म है, जब ये ठंडे हो जाएंगे तो ये अच्छे क्रिस्पी बन जाएंगे। ये देखिए आप देख रहे हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, धन्यवाद।